आज हम करेंगे नवीं क्लास का लेसन, कृतिका का लेसन माटी वाली। माटी इसका हम सार करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर है। विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने और आम लोगों की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए अनिवार्य होती हैं, पर उन्हें बलि वेदी पर न जाने कितने निरीही प्राणियों को स्वयं को मिटाना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, ना कोई नहीं कोई जानना चाहता। माटी वाली एक स्त्री है जो सारे टिहरी है शहर में, उत्तराखंड की तरफ टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती थी। उसका मिट्टी बेचने का क्षेत्र एक नगर था। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहां वह लाल मिट्टी बेचने ना जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हों की टिहरी लाल मिट्टी वहीं पहुंचाती थी। हर बार खाना पकाने के बाद चूल्हे पर इस मिट्टी से को पोता जाता था। उस सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती थी। टिहरी शहर था, उसमें केवल रेतीली मिट्टी ही पाई जाती थी। उसमें उसे चूल्हे की लिपाई नहीं हो सकती थी। लोग इस मिट्टी को अपने घरों की गोबरी लिपाई में प्रयुक्त करते थे। मतलब जमाने लोग क्या करते थे, जो घरों को कच्चे घर होते थे तो उनमें गोबर मिला करके उससे मिट्टी से ही दीवारों की लिपाई करते थे। शहर के सारे शहर के सैमल का तप्पड़ मोहल्ले की आखिरी कोली की ओर बने आखिरी कोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरिजन बुढ़िया अपने सिर पर रखे मिट्टी के भरे कनस्तर को नीचे उतारा। कनस्तर को कोई ढक्कन नहीं था। ढक्कन से वह काट कर उतार देती थी, क्योंकि वह मिट्टी भरने और उसे खाली करने में रुकावट बनता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली से मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन में एक ओर उड़ेने के लिए कहा। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए दो रोटियां दी। उसने एक रोटी तो को अपने सिर ऊपर बंधी जो कपड़ा था उसमें बांध दिया और कपड़े में लपेट कर दूसरी को घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ निगल कर लिया। चाय के साथ रोटी खाते उसने कहा कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाता है। तो मालकिन ने कहा कि भूख तो अच्छे अपने आप में एक साग होती है। सामान्य बातचीत के में घर की मालकिन ने उसे बताया कि बाकी लोगों ने अपने घर की पीतल और कांसे के बर्तन बेचकर स्टील और स्टील मिट्टी के बर्तन खरीद लिए हैं। वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तनों को नहीं बेचेगी। उसने पुरानी चीज़ों के प्रति मोह था, पर अब वह उन्हें सोचकर भी परेशान थी कि अब जब टिहरी गांव में बांध के कारण उस यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह क्या करेगी। कुल मिलाकर माटी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई, जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने का आदेश मिला। वहाँ से उसे दो रोटियाँ भी मिली, जिन्हें उसने अपने कपड़े में के दूसरे छोर में बांध दिया। लोग नहीं जानते कि उसने रोटियाँ अपने आप साथ ले जाने के लिए क्यों बांधी थी। घर में उसका बुड्ढा था, वह रेटी रोटी का इंतजार कर रहा होगा। आज तो उसे खाने के लिए तीन रोटियाँ मिल जाएंगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज चलने पर भी उसे एक घंटा तो लग ही जाता था। वह हर रोज अपने कनस्तर में माटापान से मिट्टी खोदती जाती, फिर वहाँ से उसे सिर पर ढोकर दूर दूर तक जाती। उसके पास अपना कोई झोंपड़ी या जमीन का टुकड़ा नहीं था। वह तो ठाकुर की जमीन पर बनी झोंपड़ी में रहती थी, जिसके बदले में उसे कई बेगार करनी पड़ती थी। माटी वाली ने रास्ते में एक पाव प्याज खरीदे ताकि वह अपने बुढ़े को रोटियों के साथ तले हुए प्याज दे सके। उसका बुढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका था, अब तो वह डेढ़ से अधिक रोटी खा ही नहीं सकता था। वह अपने झोंपड़ी में पहुंची। रोज की तरह उसका बुढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं। माटी वाली ने घबरा कर उसे छू कर देखा तो वह सदा के लिए जा चुका था, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है कि शहरवासी माटी वाली को नहीं बल्कि उसे कंटर को भी अच्छी तरह जानते हैं। आपके समझ में ये कौन से कारण है जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते। तो ये क्वेश्चन आंसर है, माटी वाली के पास अपने भागीरथ और वीलांगना नामक दो नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी। कौन सी नदी के तट पर? भागीरथी और वीलांगना। टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह टिहरी है, जिसमें
चूल्हे पर लिपाई का काम नहीं हो सकता। शहर के हर घर में सुबह दोपहर शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसकी लिपाई पुताई के लाल मिट्टी की आवश्यकता होती है। कभी कभी घरों के कमरों दीवारों की कोई लिपाई के लिए भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। सारे शहर में माटी वाली एक ऐसी औरत है जो हर घर जाकर कर मिट्टी का कनस्तर अपने सिर पर उतार मावड़े लाती है। शहर का हर वासी उसे और उसके कंटन को लगभग रोज़ देखता है। वर्षों से लगभग लगातार माटी वाली उसे ढक्कन कटे कंटर को देखने के कारण सारे शहरवासी उसे भली भांति पहचानते हैं। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था क्योंकि वह उसे एक घंटा आने में लगता था और एक घंटा दोबारा वापस जाने में अपने घर में लगता था। वह सारा दिन माटा खान से मिट्टी खोद खोद कर लाती थी और लोगों के घर में पहुँच जाती थी। उसकी अपनी कोई जमीन नहीं थी और ना कोई झोंपड़ी थी। सारे टिहरी नगर में अकेली थी जहाँ जो मिट्टी का लाल पहुँचाती थी। अति व्यस्तता और अपने विशिष्ट स्वभाव कारण उसे उसके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। भूख मीठी की भोजन मीठा क्यों कहा है कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो उसे सिंपल भोजन भी बहुत अच्छा लगता है और जब व्यक्ति का पेट पहले से ही भरा हुआ हो तो उसे कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों ना दो उसमें वह कमी निकाल ही देता है। तो पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा व्यक्ति कमाई नहीं देता। मतलब जो भीतर के बर्तन थे उसमें मालकिन ने कहा था कि उन्होंने बड़ी कमा मेहनत से वो चीज़ें बनवाई थी, उनको कौड़ियों के भाव देने में उन्हें बहुत ही मुश्किल हो रही थी।